तो भाई लोग वेदर देखिए कितना बढ़िया हो रखा है, औसम बड़ा मौसम हो रखा है। और इस औसम बड़े मौसम में मेरा दिल करा पकौड़े खाने का, और मैं पहुंच चुका हूं जी दत्यार। दत्यार है सनराइज कैफे या सनराइज कॉफ़ी की शॉप कह लो। आपको दिखाता हूं अंदर चल के। ये है जी लोकेशन, देखिए कितनी खूबसूरत और बढ़िया जगह। ये खड़ा जी अपना घोड़ा, और मैंने कर दिए पकौड़े ऑर्डर। चलिए आपको चल के दिखाता हूँ। अभी बारिश हो के हटी है काफ़ी, और मैं टाइम से यहाँ पर पहुँच गया। आते ही मैंने कर दिए जी पकौड़े ऑर्डर गर्मा गर्म। तो चलिए जी चल के आपको दिखाता हूँ। बहुत ही बढ़िया भाई लोकेशन है, दत्यार जगह का नाम है यहाँ पर। ये है इनका भाई का सिटिंग का अरेंजमेंट, बढ़िया चाय पकौड़े कॉफ़ी सब मिल जाएगा, जो भी आपको अच्छा लगे यहाँ पर आ सकते हो। और भाई ने मॉडिफिकेशन बहुत बढ़िया करवा रखी है यहाँ पर, जो सेटअप है अच्छा है। ये देखिए सीढ़ियाँ, ऊपर भी चल के दिखाता हूँ। और ये है जी यहाँ की खूबसूरती जगह बैठने के लिए। और भाई ये आ गए मेरे पकौड़े, चाय गर्मा गर्म, साथ में गर्मा गर्म पकौड़े, देख लो भाई। और ये हैं जी सामने के खूबसूरत से नज़ारे पहाड़ों के, व्यू को एंजॉय करता हुआ इस बरसात के मौसम में पकौड़ों के मज़े लेने जा रहा हूँ गर्मा गर्म के। ये देखिए बादल सामने, और ऊपर भी यहाँ पर बैठने का है अरेंजमेंट, इसके ऊपर भी है। सीढ़ियों से चढ़ के जाके आप एंजॉय कर सकते हो यहाँ पर जाके। तो भाई पहले मैं गर्मा गर्म पकौड़ों के मज़े ले लूँ, फिर आपको ऊपर चल के जो भाई के फर्स्ट फ्लोर पे टेरेस का व्यू है वो दिखाऊंगा। चाय पी ली, पकौड़े खा लिए, मज़ा आ गया भाई साहब। तो चलिए चल के आपको दिखाता हूँ यहाँ का फर्स्ट फ्लोर। ये है जी जाती सीढ़ियाँ घूमती हुई गोल गोल, और यहाँ से आपको सामने का व्यू दिखेगा कुछ ऐसा रोड का। ये लो भाई, ये गजब बड़ा व्यू शुरू यहाँ से। ये आ गया इसका लकड़ी का दरवाज़ा, कुंडी खड़का देते हैं। ठीक है लो जी, ये है जी ओपन डोर टू हेवन। देखो भाई बहुत अच्छा लग रहा है, देखो फर्श कैसे चमक रहा है, क्योंकि बारिश होके हटी है तो अभी चेयर्स वगैरह खाली ही हैं सारी ऊपर, क्योंकि है नहीं कोई अभी बैठा। और ये आप पीछे का यहाँ का व्यू देखिए कितना बढ़िया आ रहा है। ये सामने पेट्रोल पंप है इंडियन ऑयल का, उसके साथ में ही आके सनराइज के नाम से ये कैफे है। ये यहाँ का सुंदर सा व्यू, कुछ भी है भाई पैसा वसूल हो गया, मज़ा आ गया इस खूबसूरत से औसम वाले मौसम में ना, परांठे खाए और साथ में लिए पकौड़े, और चाय अभी फिर से ऑर्डर कर दिया मैंने, दोबारा फिर से पीने जा रहा हूँ। चाय इतनी टेस्टी है बस पूछो मत, आओगे पियोगे फिर अपने आप स्वाद जान जाओगे। ये सारा ऊपर सीटिंग के लिए ही है यहाँ पर। पीछे का व्यू देखो कितना बढ़िया, खूबसूरत सा जंगल का, पूरी ग्रीनरी है, लश ग्रीन। और ये था वो अपना एंट्री गेट जहाँ से हमने एंट्री करी थी अभी, और ऊपर भी यहाँ पर बैठने के लिए सीटिंग का अरेंजमेंट है इनके पास। तो चलिए अब वापस चलते हैं नीचे, चाय पीते हैं और फिर निकलते हैं वापसी चंडीगढ़ की ओर। बारिश तेज़ होने वाली है इसके बाद, फिर कॉफ बहुत ज़्यादा भीगता हुआ तो वैसे आ ही चुका हूँ, फिर से भीगता हुआ जाऊँगा मज़े लेता हुआ बारिश की। तो भाई अगर अपनी ज़िंदगी से तंग आ गए हो, थोड़ा चिल करना चाहते हो, तो ये जगह एक बेस्ट ऑप्शन है नियर चंडीगढ़। यहाँ पे आओ कुछ टाइम के लिए चिल मारो और गमों को जाओ भूल,